मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकल ट्रेन आम जनता के लिए शुरू करने की मांग को लेकर दीवा रेलवे स्टेशन के पास दीवा रेलवे प्रवासी संगठन ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। लोकल ट्रेन में आम जनता के लिए शुरू की जाए, ऐसी इनकी मांग है, क्योंकि ड्यूटी पर जाने वाले लोग घंटों बस की कतार में खड़े रहते हैं और ऊपर से किराया भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसलिए आम जनता काफ़ी परेशान है और सरकार से इनकी मांग है कि सरकार आम जनता के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने पर विचार करें। जिस तरह से अति आवश्यक सेवा में ड्यूटी करने वाले लोग लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, तो आम जनता अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा क्यों नहीं कर सकती। आंदोलनकारी आदेश भगत ने सरकार से मांग की है कि आम जनता के लिए लोकल सेवाएं शुरू की जाए। हमें यहाँ पे सभी जो हर विभिन्न स्थानों पर जो प्रवासी संगठन है वो सभी आज एकत्रित होकर यहाँ पे दीवा में सबके लिए लोकल सेवा शुरू हो जाए, इस मांग को लेकर यहाँ पे आज हमने आंदोलन किया है। आज देख रहे हैं आप की सरकार हर क्षेत्र में, मतलब जैसे कि महिला रहेंगी, सिक्योरिटी रहेंगी, वकील लोग रहेंगे, इनको आज प्रवास में सुविधा दे रही है। लेकिन हमारी मांग ये है कि आप सरकार जिस तरह एक तरफ ये जो अन्य क्षेत्र है इनको सुविधा देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह आप जो खड़े पाने में जो अपने परिवार के लिए, नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए जो संघर्ष कर रहा है उसके लिए भी आप सोचने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि दीवा में आप दीवा टर्निंग पे जाओगे तो वहाँ पे हजारों की संख्या की भीड़ रहती है जो बस के लिए रहती है। जिस यात्री को ऑफिस में 10 बजे पहुँचना है वो यात्री सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा रहता है। तो ये जो लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार ने सोचना चाहिए और जल्द से जल्द लोकल सेवा शुरू करनी चाहिए। मतलब देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल रहेगी, कोलकाता रहेगी, वहाँ के सरकार ने लोकल सेवा शुरू की है, लेकिन यहाँ की सरकार अभी भी इस बारे में सोच नहीं रही है। जो हमारे सर्वसामान्य जो यात्री है उनके बारे में सोच नहीं रही है और सरकार का इस हमारे मांग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज हमने यहाँ पे हमारा उपनगरीय रेलवे प्रवासी एकता संस्था और हमारे सभी जो पदाधिकारी है इनके माध्यम से आज दीवा में ये आंदोलन किया है, जिसके चलते सरकार को शायद इस सभी जो सर्वसामान्य यात्री है उनके बारे में सरकार शायद सोचे। सर, ये विरोध जो है राज्य सरकार के विरोध में है या फिर जो है रेलवे प्रशासन के विरोध में? ये कोरोना का जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें सभी अधिकार जो राज्य सरकार के पास रखे गए हैं, राज्य सरकार को ही पूछा जाता है या राज्य सरकार के सुझाव से ही रेलवे सेवा शुरू की जाती है। जैसे कि यह राज्य सरकार के सूचना के बाद महिलाओं को प्रवास में मुभा दी गई, वैसे ही हम लोग की मांग है कि राज्य सरकार अभी सर्वसामान्य यात्रियों के बारे में सोचे जो आज खरे मायने पे संघर्ष कर रहा है। अभी सर आपने कहा कि जो है नौकरी पेशा लोग हैं उनको जो है नहीं दिया गया है परमिशन दे, जबकि जो है नौकरी पेशा लोगों को परमिशन दिया गया है ट्रेन में चलने के लिए, बकायदा उपास वगैरह निकाल के जा सकते हैं, लेकिन आपने अभी जो कहा जो है नहीं, बिल्कुल जिस जो अत्यावश्यक सेवा में काम कर रहे हैं उनको सुविधा दी गई है, यात्रा की सुविधा दी गई है, लेकिन अत्यावश्यक सेवा छोड़ के और भी ऐसे जो 90% यात्री है जो अत्यावश्यक सेवा में काम नहीं करते उनके लिए हम झगड़ रहे हैं, उनकी मांग हम खड़े मायने पर सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये मांग आपकी आज जो यहाँ से शुरुआत हुई है, अगर इसका कुछ परिणाम नहीं करता अग्रिम क्या रहे, कदम क्या रहेगा? पहली बात तो हर मांग को पूरी करने के लिए एक संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है। हर बात सरकार से सरकार मतलब सुनता है ऐसे भी नहीं है। जैसे कि महिला यात्रियों को प्रवास में मौका मिले इसके लिए भी हम प्रवासी संगठन के माध्यम से प्रयास किए और उसके चलते ये महिलाओं को आज प्रवेश मिला है। तो हमको आशा है कि हम जैसे इस जो आज दीवा में आंदोलन हुआ अगर उससे सरकार सकारात्मक सोचती नहीं है तो आगे चल के हम इससे भी बड़ा आंदोलन मिलकर करेंगे। सर,